जी मेरा नाम अब्दुल गनी मलिक, मैं आल जे एंड के कंटेंट पेड एम्प्लॉयज यूनियन जम्मू कश्मीर यूटी का स्टेट प्रेसिडेंट। आज हमारी स्टेट बॉडी इसलिए इधर आई है कि हम पिछले चार साल 2017 से सफ़र कर रहे हैं। हमें SRO 308 के तहत 50% कोटा मिल रहा था, लेकिन बदकस्मती देखो, डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन, जिसका हम शुक्रगुजार है, जिसने एक आर्डर निकाला था आज से पहले एक साल कि CO साहिबान को चेयरमैन बनाया था, बोला था CPW की पेंडिंग DPC वागुजार करो, लेकिन CO ऑफिस में हमारी सिर्फ कमेटी हो रही है, वेरिफिकेशन पर वेरिफिकेशन हो रही है, लेकिन डेट पर डेट निकालते हैं लेकिन DPC नहीं हो रही है। अब हम आपके माध्यम से तमाम कश्मीर डिवीजन के जितने भी CO साहिबान हैं उनसे गुजारिश करते हैं, 10 दिन के अंदर अंदर CPW की पेंडिंग DPC वागुजार होनी चाहिए। अगर 10 दिन में हमारी पेंडिंग DPC वागुजार नहीं हुई है, जिस डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग DPC रहेगी उस डिस्ट्रिक्ट में हम पूरा एहतजाज करेंगे, तमाम कंटिजेंट पेड़ जमा हो जाएंगे और तमाम कंटिजेंट पेड़ों के को आपके माध्यम से हम गुजारिश करते हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से राबता करें, और ताकि हम 10 दिन के अंदर उस CO साहिबान से पूछेंगे वो क्यों नहीं करता है हमारा पेंडिंग DPC वागुजार। और हमारी जो पेंडिंग वेजेस का मसला है, हम आपके माध्यम से गवर्नर इंतजामिया से पुरजोर गुजारिश करते हैं, जिस पर हमें पूरा भरोसा है UT पर कि हम वो हमारा मसला हल हो जाए, हल करेगा कि हमारे हक में मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से तनख्वाह रिलीज होनी चाहिए।